पिछली कड़ी में हमने महमूद गजनवी द्वारा कन्नौज, कालिंजर तथा अजमेर पर किए गए अभियानों की चर्चा की थी। ईस्वी 1025 में महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जो भारत के प्रमुख तीर्थों में से एक था। सोमनाथ शिवालय को सौराष्ट्र के चालुक्य शासकों ने हजारों गांव अर्पित कर रखे थे, जिनसे प्राप्त राजस्व सोमनाथ शिवालय को मिलता था। सोमनाथ मंदिर के बारे में मध्य एशिया, ईरान एवं अफगानिस्तान में सदियों पहले से ही कहानियां प्रसिद्ध थीं। यह मंदिर ईसा मसीह के जन्म से भी कई सौ साल पहले अस्तित्व में था। 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनैद ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। यह सेना अपने उद्देश्य में सफल हुई थी तथा मंदिर को तोड़ दिया गया था, किंतु गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने ईस्वी 815 में सोमनाथ के मंदिर को फिर से बनवा दिया था। कहा जाता है कि जब समरकंद के फारिज्म शहर में रहने वाले अलबरूनी नामक एक अरबी लेखक को ज्ञात हुआ कि गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने हर साल भारत पर आक्रमण करने की घोषणा की है, तो वह ख्वारिज्म से चलकर गजनी आ गया ताकि जब महमूद भारत पर आक्रमण करे तो अलबरूनी भारत के भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, खगोल शास्त्र एवं सामाजिक जनजीवन का अध्ययन करके पुस्तकें लिख सके तथा भारत से इन विषयों की दुर्लभ पुस्तकें प्राप्त कर सके। इन पुस्तकों को आधारित करके अलबरूनी ने अपने जीवन में 146 पुस्तकें लिखीं। यद्यपि इनमें से कई पुस्तकें बहुत छोटी हैं, तथापि उस काल के भारत की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जनजीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं। संभवतः जब महमूद गजनवी मथुरा, ग्वालियर, कन्नौज अथवा कालिंजर के किसी अभियान पर भारत आया तो अलबरूनी भी उसके साथ भारत आ गया और उसने इस दौरान हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ सोमनाथ की यात्रा की। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर के वैभव, स्थापत्य, देव प्रतिमाओं तथा धार्मिक रीतियों आदि का इतना भव्य एवं रोचक वर्णन किया कि उसे पढ़कर महमूद गजनवी दंग रह गया। महमूद को ज्ञात हुआ कि सोमनाथ महालय में भारत भर के परिवारों की सुंदर लड़कियां देवदासियों के रूप में अर्पित की जाती हैं, तथा वे हजारों लड़कियां रेशम की साड़ियां और सोने के आभूषण पहनकर एक साथ मंदिर में नृत्य करती हैं। महमूद उन देवदासियों और उनके वस्त्राभूषणों को लूटने के लिए बेताब हो गया। आगे बढ़ने से पहले हमें उस काल के दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रचलित देवदासी प्रथा के बारे में चर्चा करनी चाहिए। भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा कब आरंभ हुई, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। कालिदास की साहित्यिक रचना मेघदूतम में भी मंदिरों में नृत्य करने वाली तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं का उल्लेख किया गया है। क्योंकि प्राचीन काल के भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, विशाल मंदिर समूहों का निर्माण होता था जिनमें हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना लगा रहता था, इसलिए इन मंदिरों की सफाई, सज्जा, वस्तुओं के भंडारण, देव प्रतिमाओं के संरक्षण, कीर्तन, पूजन, दीप प्रज्वलन, नृत्य एवं गायन आदि के लिए बड़ी संख्या में सेवकों अथवा अनुचरों की आवश्यकता होती थी। इसलिए युवा लड़कियों को इस काम पर रखा जाता था, जो इस कार्य को आसानी से सीख जाती थीं और जीवन भर इसी कार्य में लगी रहती थीं। ये लड़कियां जीवन भर इन्हीं मंदिरों में रह सकें, इसके लिए
इन लड़कियों का विवाह देव प्रतिमाओं के साथ कर दिया जाता था। बहुत से निर्धन लोग धन प्राप्ति की आशा में तथा बहुत से श्रद्धालु लोग पुण्य अर्जन की आशा में अपनी पुत्रियां इन मंदिरों में समर्पित कर देते थे। दक्षिण भारत के बहुत से परिवारों में यह प्रथा भी थी कि जब उनकी कोई मनोती पूर्ण होती थी तो वे अपने किसी बच्चे को देव मंदिर में देवता की सेवार्थ समर्पित कर देते थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों होते थे। देवदासियों को सामान्यतः देवी मानकर उनका सम्मान किया जाता था, किंतु कुछ मंदिरों में पुजारियों ने उन्हें अपने भोग विलास का साधन बना दिया था। कुछ प्राचीन ग्रंथों में देवदासियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर देवदासियों की अलग अलग श्रेणियां बताई गई हैं, जिनमें दत्ता, विक्रेता, भृत्या, भक्ता, हृता, अलंकारा तथा नागरी प्रमुख थीं। जो लड़कियां मंदिर में भक्ति भाव से अर्पित की जाती थीं, उन्हें दत्ता कहा जाता था, उन्हें देवी का दर्जा मिलता था, वे मंदिर के सभी प्रमुख कार्य करती थीं। जो लड़कियां स्वयं अपने भक्ति भाव से मंदिर में सेवा करती थीं, उन्हें भक्ता कहा जाता था, इन्हें भी देवी के समान आदर मिलता था। जो लड़कियां मंदिर द्वारा क्रय की जाती थीं, उन्हें विक्रेता कहा जाता था, वे मुख्यतः मंदिरों की साफ सफाई का काम करती थीं, उन्हें मंदिर की परिचारिका माना जाता था। भृत्या उन देवदासियों को कहते थे जो अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मंदिर में नृत्य एवं सेवा के कार्य करती थीं। जिन लड़कियों अथवा स्त्रियों को दूसरे राज्यों से हरण करके किसी मंदिर में दान कर दिया जाता था, उन्हें हृता कहा जाता था। मंदिर के पुजारी इन औरतों का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करते थे। राजा, श्रेष्ठी एवं सामंतगण कुछ कन्याओं को मंदिर में उपहार के रूप में भेंट करते थे। उन्हें अलंकारा श्रेणी की देवदासी कहा जाता था। ये भी मंदिर की संपत्ति की तरह प्रयुक्त होती थीं। कुछ महिलाएं विधवा अथवा परित्यक्ता होने पर मंदिर में आश्रय प्राप्त करती थीं। उन्हें नागरी कहा जाता था। ये भोजन एवं आश्रय के बदले में मंदिर में सेवा किया करती थीं। यद्यपि महमूद गजनवी अपने पिछले कई अभियानों में संकटों से घिरकर मृत्यु के मुख में जा पहुंचा था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महमूद की शैतानी ताकत उसे गजनी में चैन से नहीं बैठने देती थी। अलबरूनी ने अपने वर्णन में इन देवदासियों तथा उनके द्वारा किए जाने वाले नृत्यों का विस्तार से उल्लेख किया। इनमें से बहुत सी देवदासियां नृत्य एवं गायन में निष्णात थीं तथा अत्यंत रूपवती थीं। महमूद ने अलबरूनी के वर्णन को पढ़कर सोमनाथ की देवदासियों को उनके वस्त्रों एवं आभूषणों सहित गजनी में ले जाने का निर्णय लिया। महमूद गजनवी अब तक कश्मीर में किए गए दो अभियानों में पराजय का मुख देख चुका था। अजमेर के दो अभियानों में भी उसे पराजय का मुख देखने को मिला था। कालिंजर के दो अभियानों में भी महमूद ने विफलता का मुख देखा था। फिर भी यदि महमूद ने सोमनाथ अभियान का निर्णय लिया तो निश्चित रूप से इस अभियान का निर्णय किसी दुस्साहस से कम नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, सोने के गहनों से लदी देवदासियां लूटने के लिए सांप बिच्छुओं से भरे रेगिस्तान में घुस गया महमूद। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।